नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो गांव-गांव में जाकर नेताजी किसानों के बीच जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक तस्वीर चौंका देने वाली है। तस्वीर हमारे रिपोर्टर मोहन नागदा ने आप तक पहुंचाई है। अगर बात करें तो नीमच की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी, जिसमें किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से कतार में लगकर उनका नंबर आता है, ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। तस्वीर नीमच कृषि उपज मंडी की, जहां पर जो किसान है वे अपनी उपज लेकर नीमच मंडी पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है दिन हो चुका है पूरा और रात होने वाली है, और ऐसे में अभी तक जो है कतार लगी हुई, किसानों का नंबर अभी तक नहीं आया, मंडी के गेट नहीं खुले हैं और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से वे लहसुन लेकर पहुंचे यहाँ पर, लहसुन की नीलामी, अब उनका नंबर कल आएगा, ऐसे में उनको जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती। आइए हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से हमारे रिपोर्टर मोहन नागदा को किसानों ने क्या कहा। हम टडोल से आए हैं अभी, टडोल से 2 बजे से आ गए हम, और ये लंबी कतार लगी हुई है, वाहनों की कतार लगी हुई है, किसान भी परेशान है जी। और मंडी कमेटी में भी पूरा माल भी नहीं बिक पा रहा है, किसानों को ले नहीं सकते ये। अच्छा अच्छा। और ये बहुत लंबी सारी लाइनें दोनों तरफ से लगी हुई है, इधर से वो उधर तक। और अभी 8 बजे तक गेट खुलेगा नहीं, जब तक यहाँ प्रतीक्षा में खड़े हैं सभी काश्तकार, और परेशान भी हैं, ये भूखे तरसे हैं और सब परेशान हैं सब। अभी हम 2 बजे तक यहाँ खड़े हैं, ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, अभी गेट वेट नहीं खुले हैं जी। अभी सभी काश्तकार परेशान हैं, और अंदर से माल बिक जाए, एक आधी लाइन बची है, बची तो टाइम से बिकती नहीं है अंदर, और बाहर सभी परेशान रहते हैं, और गेट समय से खोलते नहीं है। गर्मी का भी समय, अभी का समय है, और सब भूखे प्यास से बाहर खड़े रहते हैं काश्तकार सब। क्या नाम है आपका? ईसुलाल धाकर। कहाँ से? किरण वाले सेमलपुरा।